चार विश्व कप, चार कप्तान, विश्व कप को लेकर सामने आया बड़ा अंधविश्वास। अब रोहित भी उस टोटके को आजमाएंगे, टीम इंडिया को विश्व कप जिताएंगे। रोहित के पास वो कौन तांत्रिक आया जिसने रोहित को विश्व कप जीतने का दाव बताया? 2011 में धोनी ने किया था जो अनोखा काम, रोहित ने अब उसे क्यों दिया अंजाम? विश्व कप के लिए रोहित ने सब कुछ बदल डाला, टीम इंडिया को लेकर सारा सिस्टम हिला डाला, उसके बाद भी क्या विश्व कप आएगा? क्या रोहित का ये टोटका काम कर पाएगा? किस तांत्रिक ने रोहित को ये टोटका बताया? विश्व कप से ठीक पहले रोहित ने उस टोटके को आजमाया, क्या अब रचा जाएगा इतिहास? विश्व कप आएगा हमारे पास? जी हाँ जनाब, अगर आपको लगता है कि विश्व कप केवल खेलने के बाद जीता जा सकता है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर और जानकर आप भी कहेंगे कि भाई खेल और खिलाड़ी तो ठीक है लेकिन टोटका भी विश्व कप जिताने में बड़ा रोल अदा करता है। पोंटिंग से लेकर क्लार्क तक और फिर धोनी से लेकर मॉर्गन तक सभी कप्तानों ने उस टोटके को आजमाया और फिर अपनी टीमों को विश्व कप जिताया। खबर है कि अब रोहित भी उस टोटके पर काम करना शुरू कर चुके हैं ताकि इस बार अपने घर में टीम इंडिया विश्व कप जीत सके। तो चलिए आपको रोहित के उस टोटके की खबर देते हैं जिस पर रोहित ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन उससे पहले उन कप्तानों की चार तस्वीर को देख लीजिए जिन्होंने उस टोटके को आजमाया था। नंबर एक तस्वीर, यह तस्वीर साल 2007 के विश्व कप की है जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। उस वक्त कंगारू टीम के कप्तान पोंटिंग हुआ करते थे। इस तस्वीर में पोंटिंग अपनी टीम के साथ नजर आ रहे हैं, इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। नंबर दो तस्वीर, यह तस्वीर साल 2011 के विश्व कप के दौरान की है। इस विश्व कप को भारत ने अपनी जमीन पर जीत का इतिहास रचा था। धोनी उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान हुआ करते थे। इस तस्वीर को भी आप गौर से देख लीजिए। नंबर तीन तस्वीर, यह तस्वीर साल 2015 के विश्व कप की है। इस विश्व कप को भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और 5 बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड कायम किया था। इस तस्वीर में आपको क्लार्क ट्रॉफी उठाते नजर आ रहे होंगे। उस वक्त क्लार्क ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान हुआ करते थे। इस तस्वीर को भी गौर से देखिएगा। नंबर चार तस्वीर, ये तस्वीर साल 2019 के वनडे विश्व कप की है। उस विश्व कप को क्रिकेट के जनक कहे जाने वाले देश इंग्लैंड ने जीता था और ये इंग्लैंड का पहला खिताब था। इस तस्वीर में आपको मॉर्गन ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे होंगे। उस वक्त इंग्लैंड के टीम के कप्तान मॉर्गन हुआ करते थे। इस तस्वीर के अलावा आप 2022 के T20 विश्व कप के विजेता इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की तस्वीर भी देख लीजिए। कुल मिलाकर इन तस्वीरों को देखकर एक बात साफ नजर आती है, इन सभी तस्वीरों में ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान ने क्लीन शेव किया हुआ है। किसी भी कप्तान के चेहरे पर आपको दाढ़ी नजर नहीं आएगी। धोनी ने भी टीम इंडिया को चैंपियन बनाया था तो वो भी क्लीन शेप थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस टोटके को मानते हुए रोहित ने भी बड़ा कदम उठाया है और क्लीन शेप करके विश्व कप को जीतने का प्लान बनाया है। वेस्टइंडीज दौरे पर गए रोहित को आपने देखा होगा, वो इस वक्त कई सालों बाद क्लीन शेप में नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि विश्व कप जीतने के लिए रोहित अब खेल के साथ साथ टोटके को भी आजमा रहे हैं। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस टोटके से टीम इंडिया विश्व कप जीत पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।